शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप तो दोस्तों हंसता रहा करो, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो आप। तो दोस्तों आप लोग शादी ब्याह में जाते ही होंगे, और शादी ब्याह में पैसा देने का बात तो चलता ही रहता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग शादी के ब्याह में पैसा दिखाने का बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अंकल आए थे, उसे पैसा देते हैं, निकाल कर कैमरा में देख लेते हैं, तो पैसा लेकर वापस रख लेते हैं दोस्तों। मतलब इसका कुछ मजबूरी होगा, इसलिए पैसा को लेकर वापस रखते हैं। तो चलो यार, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भाई सब आए थे, उसके बाद ये शादी में, देखिए यार, मतलब शादी में ब्याह होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्याज कटवाया जा रहा है। तो दोस्तों शादी ब्याह में तो प्याज कटवा रही है, आलू कटवा रही है, तो कुछ जीजा को भी हाँ बनता है कि वो भी उनसे करवाए। तो दोस्तों उनसे गिनती सुने है सजेट तक, और पाड़ा सुने है सजेट तक, सब जाके इनको समझ में आएगा। अब यहाँ पे पढ़ लिखे केमिस्ट्री वाला दुल्हन दोस्तों, देखिए यहाँ पे पढ़ लिखे दोस्तों क्या सुनाती है। भाई साहब ये दुल्ही तो बहुत पढ़े लिखे है, ये तो दुल्हन को भी पढ़ने के पढ़ में पागल कर देगी। अब दोस्तों इन भाई साहब का शादी हो रहा था, तभी एक लड़का आता है, उसके बाद शगुन का पैसा देने लगता है दोस्तों। लेकिन पैसा देने के बाद ये बैठ कर फोटो खिंचवाने लगता है। तभी दुल्हे को शक होता है, तो वो फोटो लेकर अपना कागज को लेकर उसके बाद उसको खोलने लगता है दोस्तों। इस खोलने के बाद उसका मुंह बंद हो जाता है कि कहीं पकड़ा नहीं जाए। उसके बाद देख लेता है तो पैसा भी नहीं रहता है, एक भी पैसा नहीं रहता है, यार 10 रुपया भी तो डाल देता है यार। उसके बाद खाली खोखा हो जाता है, उसके बाद ये बहुत पिनिक जाते हैं, उसके बाद दुल्हन भी हंसती है। तो दोस्तों आप लोग की शादी में भी ऐसा हो तो यार वही पे शगुन का कागज खोल लिया करो, नहीं तो आप लोग का भी ऐसा ही पोपट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। शर्म करो, भगवान से डरो। अब इन दुल्हन को देख लीजिए, लगता है ये कब पगला गई है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस इनको कहाँ से आ गया है। दोस्तों ये दुल्हन तो बहुत ही डेंजर लग रही है, इनको दुल्हन पे नहीं ध्यान जा रहा है, लेकिन इनको अपना दोस्तों को इनके दोस्तों बहुत ध्यान जा रहा है। मित्रों ये इतने खुश इसलिए है क्योंकि इनका मेकअप हुआ है। अगर इनका मेकअप रात भर में अगर उतर गया ना, अगर या सुबह में अगर मेकअप अपना धोएंगे ना, तो यार दोस्तों मैं कसम कर रहा हूँ भाग जाएंगे सब लोग। तभी दूल्हे के दोस्त बोलेंगे ना कि ये पटाखा नहीं है, चाइनीज आइटम बम है, सच में बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को हंसाने का मैं ठीक लेता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़ते हैं आगे वीडियो को। दोस्तों आप लोग अधिक जाते होंगे शादी ब्याह में, और शादी ब्याह में गाड़ी से आता है लो, बाइक से आता है लो, और दूल्हा आता है कार से आता है, बड़ी बड़ी कार से। लेकिन यहाँ पे तो ये भाई साहब रिक्शा से ही आ गए। अरे भाई साहब तो ठीक से चलाना, नहीं तो गिर जाओगे। अरे भाई साहब ये दुल्हन को तो गाड़ी से ही नहीं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ देर पहले आपको मैंने दिखाया था कि ये कैसी लग रही थी दोस्तों, लेकिन इनका मेकअप होने के बाद तो इनका पूरा होलिया ही बदल गया दोस्तों। मैंने ही इनका व्हाट्सएप पे अपना डीपी लगाया है दोस्तों, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये पापा की परी ऐसे ही होती है, शक्ल ही बदल जाती है दोस्तों। यहाँ पे पंडित जी को भी ये लोग घूस देकर और अपने ये शादी में खींच लिए हैं दोस्तों। आप सुनिए कि ये क्या क्या मंत्र में बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपने बगीचे में अकेले नहीं जाना है, शराबियों के अड्डे पर कभी नहीं, और फालतू का नहीं हंसना होगा, घर से बाहर कभी शयन नहीं करना होगा, सोने के लिए दूसरे के घर नहीं जाना होगा दोस्तों। ऐसा मंत्र तो मैंने पहला बार सुन रहा हूँ दोस्तों। कंडीशन में रहते हो क्या हो सकता है, आप भी जान सकते हैं, नहीं सकते हो दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कमेंट करें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अब शादी की हो रहा था, लेकिन शादी में माला पहनाने के लिए दुल्हन जा रही थी माला बनाने के लिए, लेकिन ये दूल्हा ऊपर हो जाते हैं। इसी तरह ये दुल्हन किसी आ जाती है, उसके बाद कहती है मैं माला नहीं पहनाऊंगा दोस्तों।
पहना देता है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप लोग कभी ऐसा भाग जाए। मजा आया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही होगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए काला बटन दबा।